करके रिपोर्टें सरकार तक आ जाए और उसके बाद तुरंत राहत की जो है उसकी घोषणा हो जाए और तुरंत राहत बटने लग जाए, इसकी व्यवस्था की है सरकार ने। चिंता जरूरी है, अगर ऐसा होता है तो अच्छा। विष्णु साहब, मैं आपके पास बात हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो अभी माधव साहब ने रखा, वो है बीमा कंपनियों को लेकर। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में अब बहस की गुंजाइश है, जरूरत है, एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है? दो तरह के बीमे, एक तो मौसम आधारित बीमा है, एक बीमा है मॉडिफाइड बीमा। मौसम आधारित बीमे में मौसम का टेम्परेचर किस आधार पर है, किस आधार पर मतलब फसलें नुकसान हुई है उसका अलग है। ज्यादातर मॉडिफाइड बीमा कर रखा है। मॉडिफाइड बीमे में किसान का जो खेत है उसमें जो पैदावार का नाप करेंगे निकलने के बाद में, तब जाके बीमा कंपनी कहेगी हमारे यहाँ वाकई नुकसान हुआ है। ये जो बीमा कंपनी जानबूझ करके इस जो त्रासदी हुई है, इस त्रासदी को वो अपने हिसाब से नहीं लेंगे, क्योंकि शुरू से आदत रही है अरबों रुपए बीमा कंपनी वाले किसानों के जो प्रीमियम जमा करा रखा है, सरकार ने जो प्रीमियम दिया है उनके हड़पने की नीति रही है। मेरा ये मानना है कि बीमा कंपनी जब फसल निकलेगी तो गोड़मोड़ करने का मतलब उनका पूरा इरादा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं माधव साहब आपके पास हूँ, वक्त आ गया है बीमा कंपनियों के जो